क्या आप जानना चाहते हैं कि राहु आपको कैसे राजा बना सकता है? राहु के 3 नक्षत्र होते हैं और वो 3 नक्षत्र अगर आपको मिल जाएं तो राहु आपको इस दुनिया का किंग बना सकता है। इस वीडियो में मैं आपको राहु के 3 नक्षत्रों, उनकी खासियत और उनसे फ़ायदा कैसे उठाएं इसके बारे में बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को जरूर दबा दीजिए। राहु कलयुग में राजा कैसे बनाता है? आखिर क्या कारण है कि राहु आदमी को इतना ऊपर उठाकर ले जाता है? कारण इसका इसके नक्षत्रों में छुपा हुआ है। देखिए, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। आर्द्रा नक्षत्र पूरा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है, मिथुन बुध की राशि है। स्वाति पूरा नक्षत्र तुला राशि में आता है, तुला शुक्र की राशि है। शतभिषा पूरा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है, कुंभ शनि की राशि है। अब बुध, शुक्र और शनि तीनों ही राहु के मित्र हैं, तो इसलिए राहु को जब देने पर आए तो देने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि राहु के 3 नक्षत्र इसकी अपनी मित्र राशियों में ही पड़ते हैं और उसमें भी 2 राशियां बुध और शुक्र की हैं, जो कम्प्लीटली सांसारिक राशियां हैं, मैटेरियलिस्टिक प्लैनेट्स, जो हमें भोग विलास और दुनियादारी की तरफ ले जाते हैं। तो राहु भी तो यही है, माया है। शनि भी क्या है? शनि भी तो काम करवाने की प्रवृत्ति देता है। तो बुध, शुक्र, शनि तीनों राहु के मित्र और तीनों ही हमें माया की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए राहु कलयुग में मायापति बना सकता है, बहुत पैसा दे सकता है, बहुत पद दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। एक बात और देखिए, नक्षत्र सिस्टम में राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा नक्षत्र नंबर 6, स्वाति नक्षत्र नंबर 15 और शतभिषा नक्षत्र नंबर 24। 15 इज 1+5 = 6, 24 2+4 = 6। तीनों ही नक्षत्रों का कंपाउंड नंबर क्या है? 6। क्या यह मात्र एक संयोग है? नहीं। ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में 6 नंबर का मालिक कौन ग्रह है? शुक्र है। शुक्र कौन है? भोग विलास है, संसार है, माया है, धन है, सिनेमा है, ग्लैमर है, कपड़ा है, भोग विलास है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ शुक्र है। राहु भी तो यही चाहता है। तो राहु के नक्षत्रों का नंबर भी ध्यान दीजिए, शुक्र के नंबर पे आता है, अपने ही मित्र का नंबर है। तो इसलिए राहु हमें कलयुग में जितना दे सकता है उतना कोई भी ग्रह नहीं दे सकता। देखिए, पुराने ज़माने में जब ज्योतिष शास्त्र लिखा गया, सूर्य राजा था, सूर्य राजा बनाता था। शनि कौन था? नौकर था। राहु कौन था? आउटकास्ट था, म्लेच्छ, जो सबसे नीचे लेवल के काम करता था। आज सूर्य बहुत अच्छा हो तो आप IAS बन जाएंगे, शनि राहु बहुत अच्छा हो तो आप कौन बनेंगे? पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक बन जाएंगे। ऊपर कौन है? तो सतयुग में जो ऊपर था आज वो ऊपर नहीं है। कलयुग में जो लोग ऊपर हैं सतयुग में, उनको नीची दृष्टि से देखा गया उन प्लैनेट्स को, इसलिए इनको पाप ग्रह कहा गया। आज कलयुग में पाप ग्रह ही हमें बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, ध्यान रखिए। इसीलिए राहु बहुत ऊपर ले जा सकता है। अब हम राहु के नक्षत्रों का अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें, क्या समझें, राहु के नक्षत्र हमें क्या देते हैं? आखिर नक्षत्रों की अपनी भी तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स, अपने भी कुछ विशेष गुण होते हैं, ज़रूर होते हैं। राहु का पहला नक्षत्र आर्द्रा है। आर्द्र यानी मॉइस्ट, जिसमें गीलापन हो। गीलापन कहाँ होता है शरीर में? आंसू की बूंद। जब हम रोते हैं तो गीलापन होता है। आर्द्रा को इसीलिए टीयर ड्रॉप इसका सिंबल दिया गया, आंसू की बूंद। आर्द्रा रुलाने वाला नक्षत्र है, लेकिन क्या यह सिर्फ रुलाता है? नहीं। आर्द्रा हमें रोने के बाद एक निश्चय भी देता है कि हम एक नई सृष्टि की रचना करेंगे। इसीलिए आर्द्रा में ज़बरदस्त इच्छा शक्ति होती है। आर्द्रा वाले लोग अपना काम बहुत जल्दी बदल देते हैं, यह बहुत तरह के काम कर सकते हैं। अच्छा भी है और यह टेंडेंसी
बुरी भी है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम बदलना तो अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन यह लोग ऐसे वो सारे काम कर सकते हैं जहां हमें बहुत जल्दी अपने डिसीजंस चेंज करने हो, क्विक एक्शन लेना हो। जैसे सेना में ऐसे लोग बहुत अच्छा जा सकते हैं, ऐसे लोग मेडिसिन के प्रोफेशन में बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आर्द्रा रोग बीमारियां देता है। तो ऐसे लोग अगर बीमारियों से जुड़ा काम करें तो बहुत आगे जा सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं। ऐसे लोग एक्सप्लोरर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आर्द्रा एक अशुभ नक्षत्र ही है। देखिए, इस नक्षत्र में शादी नहीं होती है। आर्द्रा नक्षत्र कब आता है? सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र पे आता है उस समय क्या समय होता है? जून में आता है। तो जून जुलाई अगस्त के महीने में देखिए इसीलिए शादियां नहीं होती हैं, तो कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता। तो आर्द्रा रहेगा तो अशुभ नक्षत्र ही, लेकिन हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम आर्द्रा से जो ले सकते हैं वो ले लें, जो चीज़ नहीं ले सकते हैं उसको छोड़ दें। जैसे आर्द्रा का एक और सिंबल है क्या? हीरा, डायमंड। हीरा किसको मिलता है? जो खान में जाकर हीरा खोज सकता है, यानी ऐसे लोग रिसर्चर होते हैं। अगर वो लोग निश्चय करके रिसर्च के फील्ड में चले जाएं तो वो ऐसी बातें खोज कर ला सकते हैं जो दूसरा कोई नक्षत्र वाला खोज के नहीं ला सकता। यही तो खासियत है राहु की। लेकिन आर्द्रा में बहुत बुरी क्वालिटीज़ भी होती हैं। ऐसे लोग अगर नशे से जुड़ जाएं तो उनकी नशे की लत कभी नहीं छूटेगी। तो इसलिए आर्द्रा नक्षत्र वाले लोगों को हमेशा किसी तरह के नशे या शराब से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो इसका बुरा शिकार बनते हैं। आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है, जो इसके मित्र बुध की राशि है। इसलिए राहु अगर आर्द्रा नक्षत्र में हो या जो भी ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में हो, तो ज़रूर देख लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है। अगर बुध अच्छा होगा तो राहु अपने आप अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। आर्द्रा नक्षत्र के चार चरण होते हैं। इनमें दो गुरु के नवांश में आते हैं और दो शनि के नवांश में आते हैं। तो गुरु शनि भी अगर अच्छे हों तो राहु और अच्छा फल देने लगेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आर्द्रा नक्षत्र एक बॉर्डर लाइन नक्षत्र है, अच्छा भी है और बुरा भी है। डिपेंड ये करता है कि आप इसकी कौन सी क्वालिटीज़ को यूज़ करते हैं, इससे कैसे फ़ायदा उठाते हैं। अब नक्षत्र हम कैसे देखें? अपना कोई भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए और स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं, अगर किसी की कुंडली में देखिए, जैसे अगर चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है तो क्या कहा जाएगा? इस व्यक्ति का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ। या मान लीजिए दूसरा कोई भी ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में है तो क्या कहा जाएगा? इसका यह ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में है। अब वह ग्रह अपने गुणों के साथ साथ राहु से जुड़े फल भी देगा, तो अब उस ग्रह के गुण देखने के लिए, उसके रिजल्ट देखने के लिए आपको राहु पर भी विचार करना पड़ेगा। यही राहु का गुण है। राहु के नक्षत्र जिस भी ग्रह में होते हैं वह ग्रह सडन रिजल्ट्स देने लगता है। राहु का दूसरा नक्षत्र स्वाति है। स्वाति, सु प्लस अति इज इक्वल टू स्वाति, यानी जो बहुत सुंदर है उसे स्वाति कहते हैं। यह हमारे भारत में एक बहुत ही कॉमन लड़कियों का नाम भी है, स्वाति। और यह वाकई बहुत सुंदर नक्षत्र है। क्यों? कहा जाता है, कहावत है ऐसी कि जब बारिश की पहली बूंद गिरती है तो सीप उस बूंद को पी जाता है और अपने आप को बंद कर लेता है और उसी बूंद से मोती बनाता है। यह घटना स्वाति नक्षत्र में होती है। तो इसीलिए स्वाति नक्षत्र रीजनरेशन का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र में बहुत शुभ घटनाएं होती हैं। यह बहुत अच्छा मुहूर्त दिखाता है। इसीलिए स्वाति नक्षत्र शादी के लिए बहुत ऑस्पिशियस यानी कि शुभ माना जाता है। कोई पार्टनरशिप का काम शुरू करना हो, कोई दुकान शुरू करनी हो, स्वाति नक्षत्र बहुत अच्छा है। क्यों? स्वाति शुक्र का की राशि में आता है, तुला राशि में आता है। यह नक्षत्र तो राहु का है लेकिन राशि तो शुक्र की है, जो व्यापार की राशि है तुला राशि। इसलिए स्वाति नक्षत्र वाले लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। यह लोग कौन सा काम कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, परफ्यूम से जुड़ा हुआ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ा हुआ काम ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग कैटरिंग का काम करें, रेस्टोरेंट्स का काम करें, तो यह उनको काम में बहुत ऊपर ले जाता है। स्वाति नक्षत्र की स्त्रियां खास तौर पर बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। बहुत अच्छी अच्छी हीरोइंस स्वाति नक्षत्र की हुई हैं जो, और ऐसे स्वाति नक्षत्र के लोग कला के क्षेत्र में बहुत धनी होते हैं।
ऐसे लोग बहुत शुद्ध हृदय के भी होते हैं। स्वाति नक्षत्र राहु जैसे पापी ग्रह का नक्षत्र होने के बावजूद भी एक बहुत ही शुभ नक्षत्र है, क्योंकि यह राहु की जितनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं उनको देता है। लेकिन स्वाति नक्षत्र में एक बुराई भी होती है, इसके देवता वायुदेव हैं, यानी वायु कभी रुकती नहीं है, हमेशा चंचल रहती है। इसलिए ऐसे नक्षत्र वाले लोग हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, काम जल्दी जल्दी बदल देने का इनमें कीड़ा होता है, यही इनके डाउनफॉल का कारण बन सकता है। ऐसे लोगों को यह सलाह दी जाती है कि आप एक काम में आएँ तो कुछ दिन तो रुक कर देखें, ज़रूर आपका काम सक्सेसफुल होगा। अगर आपने राहु और शुक्र से जुड़ा काम किया, यानी मीडिया, राहु और शुक्र भी है मीडिया, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ज्वेलरी, ईटरीज, ये सारा काम शुक्र का है, एक्टिंग, फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट्स, तो इनसे जुड़े काम अगर आप करें तो आपको बहुत आगे ले जाता है। स्वाति नक्षत्र बहुत ज्ञान का नक्षत्र है, क्योंकि शुक्र शुक्राचार्य हैं जो ज्ञान के भंडार हैं। इसलिए राहु की छठी इंद्री की शक्ति, क्योंकि राहु में एक अजीब क्षमता है, वो किसी बात को भांप लेता है, और शुक्राचार्य का ज्ञान, जब यह दोनों मिल जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति दुनिया में बहुत ऊपर जा सकता है अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस से। ऐसा व्यक्ति वह चीज़ें सोच सकता है और देख सकता है जो दूसरा कोई भी नक्षत्र का नहीं सोच और देख सकता है। कमाल का नक्षत्र है। राहु का तीसरा नक्षत्र शतभिषा है। शतभिषा, शत मतलब 100 और भिषा भेषज वर्ड से बना है। भेषज मतलब संस्कृत में डॉक्टर को कहते हैं, यानी 100 डॉक्टर्स। यह बहुत ही शुभ नक्षत्र है हीलिंग के लिए। ऐसे व्यक्ति में मानो 100 डॉक्टर्स की पावर आ जाती है, तो यह हीलिंग का नक्षत्र है। ऐसे लोग नई नई युक्तियां निकाल सकते हैं। ऐसे लोग जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं, मरने मरने को होती हैं, उन चीज़ों में जान डाल सकते हैं। शतभिषा बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। यह नक्षत्र कहाँ आता है? कुंभ राशि में आता है। पूरा शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है, जो शनि की राशि है। फिर राहु के गुरु, यानी शनि ही है राहु का गुरु, शनि का चेला है राहु। लाल किताब ज्योतिष राहु को शनि का चेला कहती है, तो और पाराशर ऋषि भी कहते हैं शनिवद राहु, डिक्टम है, यानी कि राहु बिहेव्स लाइक सैटर्न। शनि की ही राशि में आता है राहु का नक्षत्र, तो राहु बहुत अच्छा फल देने लगता है। वैसे भी राहु को कुंभ राशि में स्वक्षेत्री कहा गया, यानी कि अपने घर का। अब क्या शतभिषा सिर्फ अच्छा नक्षत्र है? नहीं, यह अशुभ नक्षत्र भी कहा गया। इस नक्षत्र में कोई भी मुहूर्त नहीं हो सकता, कोई शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यह नक्षत्र आइसोलेशन का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में शादी होगी तो टूट जाएगी। इस नक्षत्र में कोई पार्टनरशिप का काम शुरू करेंगे, टूट जाएगा। शनि भी एकला चलो रे बोलता है, और राहु तो किसी से दबता ही नहीं। तो शतभिषा नक्षत्र वाले लोग किसी से नहीं दबते हैं, बहुत तीखा बोलते हैं, इंडिपेंडेंट स्पिरिट होती है, विदेशों में बड़ी भारी सफलता होती है। अगर ऐसे लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें या फॉरेन माइग्रेट कर जाएं, अगर कुंडली में बाकी चीज़ें अच्छी हों, तो ऐसे व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। राहु है भी तो विदेश का कारक, शनि भी हमें देश से बाहर ले जा सकता है। तो राहु शनि जब मिल जाते हैं तो ऐसे शतभिषा नक्षत्र वाले लोगों के फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अपनी कुंडली ध्यान से देखिए या दिखा लीजिए। तो शतभिषा नक्षत्र बहुत ही बॉर्डर लाइन, मैं फिर कहूँगा राहु के सारे नक्षत्र बॉर्डर लाइन ही नक्षत्र हैं। इस पार या उस पार राहु खुद भी बॉर्डर पे ही खड़ा है। इधर आ जाए तो देवता है, उधर आ जाए तो दानव है। राहु ऐसा ही है, राहु में दोनों गुण हैं। तो यह अनंत संभावनाएं देता है, इमेंस पॉसिबिलिटीज़ देता है। ऐसे लोग दूसरों की बहुत सहायता करते हैं, डॉक्टर है ना, दूसरों की बहुत सहायता करते हैं, और ऐसे लोगों को दूसरे लोग बहुत तकलीफ भी देते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र वाले लोग अक्सर दुखी रहते हैं, बट फिर भी वो दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोग मास्टर स्कीमर होते हैं, क्योंकि राहु क्या है? स्कीमर है। अब बताइए, एक जासूस जो एक देश के लिए जाता है, दूसरे देश में जासूसी करता है, वहाँ से चीज़ें चुरा कर लाता है, क्या उसको हम चोर कहते हैं? नहीं, हम उसको ऑनर करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। शतभिषा में यही क्वालिटीज़ होती हैं। यह खोजी होता है, यह चीज़ें चुरा कर ला सकता है। तो अगर किसी का शतभिषा नक्षत्र में हो तो उसको किसी के घर में चोरी नहीं करनी चाहिए,
उसको अपने देश के लिए चोरी करनी चाहिए? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जासूसी के काम में, गुप्तचर के काम में, सीक्रेट सर्विसेज में, इवन आर्मी में, सिक्योरिटी एजेंसीज जहाँ दूसरों की सुरक्षा करनी हो, राहु बहुत अच्छा है ऐसी चीज़ों के लिए। अगर आप इन कामों में नहीं हैं और राहु अगर आपका बुरा है तो आप उल्टा करेंगे, आप चोरी करेंगे। तो शतभिषा नक्षत्र को पहचानिए, देखिए आपका कौन सा ग्रह शतभिषा नक्षत्र में है, वह ग्रह अपने फल के साथ साथ राहु का भी फल देगा जब उसकी दशा और महादशा आएगी। तो आज हमने राहु के तीनों नक्षत्रों के बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में किसी और अच्छे जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।